हेलो वेलकम गाइज, फ्री सर्किट लैब के नए वीडियो में आपको स्वागत है। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने इस वाले बोर्ड के बारे में बताया था। ये पुराना सीआरटी टीवी के लिए एक डिजिटल वीडियो प्लेयर कार्ड है। अगर आपको इसकी पार्ट वन देखना है तो ऊपर आई बटन पर मिल रहा है और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था इसका प्राइस कितना है, इसकी कनेक्शन कैसे किया जाता है, ये सब बातें। तो आज हम दिखाएंगे कि इसको कैसे इंस्टॉल करूँगा मैं एक प्लास्टिक की केस में, और इसमें क्या क्या फंक्शनलिटी है, किस तरह का वीडियो का सपोर्ट है, पिक्चर क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी किस तरह का है, वो सब बातें आज हम बताएंगे। ठीक है, तो आइए मेन वीडियो में चलते हैं। फर्स्ट हमें इस बोर्ड के लिए एक अच्छा केस ढूंढना होगा, और इसमें ब्लूटूथ होने की वजह से हम मेटल की कैबिनेट नहीं ले सकते, क्योंकि मेटल के आर पार ब्लूटूथ नहीं जा सकता, तो हमें प्लास्टिक की केस यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे मिला एक वायरिंग का बोर्ड, इलेक्ट्रिकल वायरिंग का। तो ये मैं 4x4 का बोर्ड ले रहा हूँ, 4 इंच बाई 4 इंच, तो इसमें ये आसानी से फिट हो जाएगा। ये 3 RCA जैक को मैं यूज़ करूँगा आउटपुट के लिए, और इस वाले वायर को कनेक्ट करके एक केबल बना लूँगा। पहले इसकी स्क्रूज को निकाल दूँगा और इसकी बोर्ड को खोल के इसके प्लास्टिक केस के अंदर जो बाउंड्री लगा हुआ है, इस बाउंड्री के नाप से मैं एक मार्कर से इसमें मार्क कर दूँगा, और उसी मार्क से ये काटना होगा। काटने के लिए मैं यूज़ करूँगा एक हैंड सॉ ब्लेड, और इस वाली केसिंग के अंदर एक सोल्डरिंग आयरन से छेद बना लेंगे और छेद के अंदर सॉ ब्लेड को घुसाकर इसको फिटिंग कर दूंगा, फिर हम काटेंगे। सैडली मेरा सॉ ब्लेड टूट गया, तो अभी हमें एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ये यहाँ से फिट हो रहा है कि नहीं। तो अगर नहीं फिट हो रहा है तो सोल्डरिंग आयरन से कुछ एडजस्टमेंट कर लूँगा। ओके, ओके गाइज, ये फिट हो गया। अभी हमें एक केबल बनाना होगा और RCA जैक और चार्जर पिन को कनेक्ट करना होगा। और गाइज ये है 5 कलर का वायर, 10 रुपये पर गज मिलता है। यहाँ पे मैं यूज करूँगा 4 वायर को। ब्लैक होगा हमारा कॉमन, और बाकी 3 तीनों आउटपुट के लिए। येलो होगा हमारा वीडियो का आउटपुट, और पिंक और रेड होगा हमारा दोनों ऑडियो चैनल का आउटपुट। तो ये जैक मैं कनेक्ट कर लूँगा इस वाले तार से, और इस ब्लू तार को यूज करके हमारा जो आउटपुट एंड है वहाँ पे ब्लैक तार को 3 हिस्सा में डिवाइड करेंगे और 3 जैक में लगा देंगे। पॉजिटिव नेगेटिव लगाना हो जाने के बाद इस तार को यहाँ पे एक प्लायर से सिक्योर कर देंगे, और सेम प्रोसेस बाकी दोनों पिन के लिए भी हम रिपीट करेंगे। ओके गाइज, हमारा 3 RCA पिन रेडी है। अब इन 3 का जो ब्लू ग्राउंड है इसको एक साथ कनेक्ट करके कॉमन ब्लैक के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो हमारा ग्राउंड कंटिन्यू हो जाएगी। अब बोर्ड के कनेक्शन में हमें तार को ठीक ठीक जगह पे सोल्डरिंग करना होगा। हमारा तार सोल्डरिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। अभी हमें इस केस के अंदर 2 छेद करना है, एक है चार्जर पिन के लिए और दूसरा है केबल के लिए। अब इस तार के ऊपर टेप लगा के और ट्विस्ट पैर बना के थोड़ा मैनेज कर लेंगे इसको केबल की तरह।
ओके गाइस, अब हमें इस तार को बोर्ड के साथ सोल्डरिंग करना होगा। ये वाला येलो तार यानी जो वीडियो का तार है वो जाएगा CVBS में। ब्लैक तार कनेक्ट होगी ग्राउंड यानी GND के साथ। ये रेड और पिंक तार जाएगी ऑडियो की दो आउटपुट में, आर आउट एंड एल आउट। इस वाली ब्लैक तार का एक छोटा सा टुकड़ा लेके मेन ग्राउंड और ऑडियो का ग्राउंड यानी GND और AGND को एक साथ कनेक्ट कर देंगे। ओके, हमारा आउटपुट का कनेक्शन हो गया है। अभी हमें इनपुट पावर देना है, तो पावर के लिए हम 5 वोल्ट चार्जर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लस और माइनस सही डायरेक्शन पे हो। प्लस माइनस गलत करेंगे तो ये बोर्ड इमीडिएटली ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए प्लस माइनस के लिए दो अलग अलग कलर का तार इस्तेमाल कीजिए और चार्जर सॉकेट को भी मल्टीमीटर से चेक कर लेना कौन सा प्लस और कौन सा माइनस है। ओके गाइज, हमारा कनेक्शन हो चुका है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये फोटो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप HD फोटो डाउनलोड करके गौर से देख सकते हैं। अब पूरा चीज़ को एक बार असेंबल कर लेंगे और देख लेंगे ये चल रहा है कि नहीं। अगर चल रहा है तो उसके बाद हम स्क्रू वगैरह लगाएंगे। ओके, इस स्क्रू की हाइट छोटी है तो ये बोर्ड तक नहीं पहुंचेगी, तो हम आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। ओके भाई, ये चल रहा है, इसकी फंक्शन भी सही से वर्क कर रहा है, तो हम इसे फाइनली असेंबल कर देंगे। ओके गाइज, फाइनली हमारा डिवाइस कंप्लीट हो चुका है। ये दिखने में भी अच्छा लग रहा है। और ये है हमारा DC जैक जो कि इनपुट का जैक, और ये है हमारा आउटपुट का केबल, और यहाँ पे 3 RCA केबल, इसमें लाल है वीडियो का और 2 ब्लैक है ये हमारा ऑडियो का केबल। ओके, गाइज ये है इसकी मेनू जो है FM, ऑक्सिन, मूवी, फोटो, म्यूजिक, ब्लूटूथ, एक्सप्लोरर एंड सेटिंग, ये सारा ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। और यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह चेंज, इस तरह का जो डिस्प्ले आता है, और इसकी इंटरफेस आप देख सकते हैं, इस तरह का इंटरफेस CRT TV के लिए ठीक है, सही है। तो अभी हम देख लेते हैं ये कैसा इसमें FM चलता है, कैसे इसमें ऑडियो चलता है, ब्लूटूथ में किस तरह का होता है, और ऑक्स जैक इनपुट में किस तरह का ये स्क्रीन देता है, और म्यूजिक में ये किस तरह का स्क्रीन देता है। और गाइज, इसमें फ़ोटो देखने का भी एक मोड मिल जाता है आपको, और वीडियो में आपको सपोर्ट है 1080p यानी फुल HD तक। फुल HD के नीचे HD वगैरह बाकी सब कुछ जो नीचे वाला रिजोल्यूशन वो सबका सपोर्ट मिलेगा, और MP4 में मिलेगा इसमें सपोर्ट, जो हमारा फ़ोन में चलता है वीडियो वो सभी यहाँ पे चलेगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो 1080p में वीडियो शुरू होने के टाइम थोड़ा थोड़ा लैग करेगा, बाद में 2-4 सेकेंड बाद में ये ठीक हो जाएगा। ओके, जब फुल HD वीडियो होता है तभी ये
थोड़ा थोड़ा लैग आता है, तो ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहाँ पर जो स्क्रीन पे फ्लिकरिंग आ रहा है ये सीआरटी टीवी को कैमरा से रिकॉर्ड करने से आता है, ये बोर्ड का प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर कॉपीराइट का प्रॉब्लम आ सकती है, फिर भी मैं वीडियो और ऑडियो दोनों ही आपको सुना रहा हूँ ताकि आपको बेहतर पता चले इसकी क्वालिटी किस तरह का है। तो गाइस, इस बोर्ड का जो वीडियो क्वालिटी है ये काफ़ी अच्छा है, तो आप पुराना टीवी के लिए इसको बिल्कुल ले सकते हैं। ओके गाइस, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए, और कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछिए। अगर मुझे कुछ सवाल पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और वहाँ से मुझसे चैट कर पाएंगे। तो अगर हमारे चैनल का वीडियोज आपको पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना। और थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट।